भाइयों अरुण पवार इंडरी आपका कटरा से स्वागत करता है। म्यूट करो, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है इतनी। भाई आज फिर से एक और डे, अनदर डे विद अनदर गुड मॉर्निंग। कल तो सो गए थे, आज भी चढ़ाई करने का जी नहीं है भाई, क्योंकि कल नवरात्रा है। तो हमको जो होटल वाले भाई हैं स्वेतक भाई, उन्होंने बोल दिया अरे भाई नवरात्रे वाले दिन करना ना, एक दिन ही तो है, मजा उस दिन देखना कितना आएगा, सजावट वगैरह और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। मगर बात तो ये भी ठीक है, श्राद्ध वाले दिन करांगा तो मैं करके क्या फ़ायदा, एक दिन रुक के कल अगर हम करेंगे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में तो मतलब तुम पे ये म्यूट नहीं होगी। तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम पिटना चाह रहे हो तो भाई फिर हमने कहा चलो ठीक है यार एक दिन और सही। और आज का जो मौसम है भाई, बहुत 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 अच्छा मौसम हो रखा है। अभी मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ जरा, इसमें यार सैमसंग की तरह फीचर ना है, सैमसंग बढ़िया फ़ोन है, उसमें फ्लिप कर दो चलती वीडियो में ही, ना पॉज कर लो, इसमें ना कुछ भी नई नई फाइल्स बनाते रहो। सैमसंग ही ले लूँ क्या, चलो वो बाद में सोचेंगे भाई, फिलहाल तो आज देखो आप क्या मौसम खतरनाक हो रहा है भाई, आज बारिश हो रही है इधर, ये देख रहे हो आप, ये बाहर चल भाई मज़ा बैठ जाएगा कहीं ना, यहाँ पे ऐसे ही चलते कॉफ़ी पे चल देते हैं। ये देखो भाई जो क्या भाई कॉफ़ी पीने चले गए ब्रो, कॉफी डेट नहीं, तेरे हाथ कितने काले हैं भाई, कंधा कंधा था कितने बुरे और ऐसे कितने काले, छी तो कितना बुरा है तो भाई बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, मजा बैठ जाएगा ऐसे मौसम में। हाई क्रॉस भाई अपनी साफ कर रहा है, ये देखो कितनी मेहनत कर रहा है भाई, पर देख मेहनत कर भी रहा है तो सरफ ढंग से तो लगा ले भाई, इतना बिल्कुल चिनक चिनक के सरफ लगा रहा है। खैर छोड़ो भाई, अब हमने रोटी मंगवा ली, रोटी क्या मतलब परांठे, लाइट लुइट जला लो, कुछ फील आनी चाहिए। हाँ भाई मोहन ने भाई नाच तोड़ देने के लिए तैयार है, राशन तोड़ भाई, इसकी गर्लफ्रेंड आ रही है इधर और ये कॉफी डेट पे जा रहा है। हाँ तू बोले भी है सेंस है कोई, हाँ तू बोले भी है क्या, आपने कल बात नहीं करी रात को, करी थी भाई बस तो पाकिस्तान सॉरी इंडियन फ्रेंड हमारा बोल तो रहा है बोल क्या। चलो भाइयों अब ये क्रेटा वाला इंसिडेंस हो रहा है हमारे साथ, बहुत भाई ऐसा बोल रहे हैं क्रेटा क्रेटा, तो उसमें एक आइडिया बहुत अच्छा आया कि भाई आप ना एक काम करो, जो पीछे वाला कैमरा है ना डैश कैम का वो देखो भाई। अभी ये क्रेटा वाली वीडियो देखने हमको एक आइडिया आया कमेंट्स के थ्रू कि जब हम जैसे वहां से भागे हैं हम लोग, तो जैसे मैंने क्या है दरवाजा खुला छोड़ दिया भाई, कौन हिम्मत करेगा दरवाजा बंद करूँ, तो मैं हम चलते पीछे वाली डैश कैम निकालते हैं, उसमें से पीछे वाली डैश कैम में अगर बंदे ने बंद किया होगा डोर ऑब्वियसली बात है खोल के सोना ही होगा उसको दोबारा, तो बंद तो क्या होगा, पीछे वाले डैश कैम में तो आई होगी वो चीज़ जैसे हम निकले वहां से, वो एक बार चल के देखते आना भाइयों। भाई अब कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना अब दोबारा वो वाला फेज आ रहा है जब हमने ये चीज़ हमारे साथ हुई थी है ना, दोबारा से ऐसे वो वाली डराना हाँ भाई, लोग ऐसे देख देख के डर रहे हैं, आप ये सोचो हम पे क्या बीती होगी उस टाइम पे, तो हमारे साथ ये चीज हुई होगी, अभी हम घर से बाहर है भाई, घर पे नहीं है तो क्या बीती होगी। और बहुत लोग कह रहे हैं हिमाचल में छलावा और ये सब बहुत होता है भाई, पता नहीं मालिक जाने किसी को फिगर आउट ही नहीं हो पा रहा कि ये है क्या, और बहुत भाई इसको बता रहे हैं वो इसमें लेटा था, अरे मेरे भाई भगवान कसम खा के कह रहे हैं ये गलत काम कभी नहीं करेंगे हमने, ऐसा स्क्रिप्टेड चीज बनाई नहीं है, अगर ऐसे रो बनानी होते मतलब ऐसी आधी लटकी गाड़ी में अपने दोस्त को लुटाएंगे, आप लौट जाओगे 1 करोड़ रुपया दे हम आप लौट जाओगे, जो कमेंट कर रहे हैं अब जब गाड़ी कभी भी डिसबैलेंस होकर चली जाए, और कह रहे हैं घने कह रहे तनिष तनिष की भी कह रहे हैं कि तू हो उसमें, मैं दूर से हाथ जोड़ दूं भाई, ये तो अब हमसे ज्यादा फट्टू है ये तो भाई समझ से बाहर है भाई वो क्या है। और जो फौजी भाई हमको मिले थे वो पंग से ना 15-20 किलोमीटर आगे हुआ था वो वाला एक्सीडेंट, तो हमने फौजी भाई से पूछा तो क्या है जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट होता है पूरा कि क्या हुआ कितने बंदे थे, वहाँ पे उनको ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे क्रेटा का कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई उनको भी नहीं पता था। चलो एक बार मैं नीचे जाके लिफ्ट से जाके देखते हैं भाई उस डैश कैम फुटेज को निकालता हूँ जरा क्या सीन है ये, हमको वो तो करनी है ये मिस्ट्री सॉल्व। भाई वो हम देख के आए ये डैश कैम में क्या है, दो पिछली 2 तारीख तक का रखता है ये, उसके बाद उड़ाता रहता है, और फिर हमने ट्रैवल भी पूरी रात भर किया जैसा आपको पता है, तो हमने ट्रैवल किया 15 घंटे रोज 15-15 घंटे, तो वो डाटा उड़ गया पीछे वाला क्योंकि फाइल बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, उस दिन दिमाग में ही नहीं आया कि पीछे की डेस्क वाले क्योंकि वो अब हाथ से बंद करता उस डोर को, हम देख के आए सैड लाइफ भाई। या फिर ऐसा हो सके मेमोरी कार्ड में हो, ऐप में ना दिखाता हो सकता है ना, परंपरा हो ना मेमोरी कार्ड ये एप्पल फेप्पल में वो लगता ही नहीं है। छोड़ो यार क्यों मूड मानो यार छोड़ो पर रहन दो, हमें पता है ना क्या है भूत हो काओ छलावा फलावा जन क्या था यार वो आदमी क्या,
आदमी होता तो ऐसे थोड़ी रिएक्ट करता यार, तभी क्यों बोलता भाई। किसी को समझ नहीं आ पा रहा है किसी को भी, वो आखिरकार सीन क्या था। बहुत कह रहे उसके यार दोस्त उसको छोड़ के चले गए होंगे कि हम हेल्प लेके आ रहे हैं। भाई ऐसी सुनसान जगह पे ना कोई भी ये दोस्त नहीं रुकेगा। अगर हमारी गाड़ी भगवान न करे ठू जाए, मैं तुमसे कहूँ जीवन में भी ना, प्लेन्स में भी भाई तीनों एक साथ जाते। हाँ तीनों एक साथ जाते ना, कि गाड़ी घोड़ा कहा है, कौन ही निकालेगा, कौन ही निकाले जाएगा, सामान ले जाते कितने जरूरी सामान, इतने बैग रहे हैं आदमी पे अगर लेके ही जाते तो। और ऐसा तो ना हो फुल भर रहो भाई, बारिश मजा आ रहा हो यार, बाहर बारिश तेज है। तो भैया हमें तो समझ आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्या चक्कर था क्या नहीं। अब छोड़ो यार, हमारा दिमाग ऐसा भंड है ना इतने दिन से, सिर दर्द हो गया कल रात को भी, वो सब देख देख के कमेंट्स वगैरह कि लोग क्या क्या अंदाजा लगा रहे थे। छोड़ो यार, खाना खाते हैं अपना, मजे करते हैं। चाय चाय और थोड़ा और मीठा करना है मीठी। ओके। भाई कहाँ मंगवाए हैं ये? और तनिष कपूर यस, कहाँ आई हो? खा लेगा तू इन्हें? यस। देख ले, एक कलम खा दे गई है। चलो आ जाओ भाई। यार क्या करें, चार अल्कोहल कोड़ी भी तो चाहिए थी ना भाई। देख रहे हो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ब्रेड पकौड़ा अलग मंगवा लिए हमने। भाई से मिलो हमारे प्यारे लाडले भाई से, सुनाओ स्वतक भाई। बढ़िया बढ़िया, अब मैंने नाम आपका सीख लिया है स्वतक। आप भी गलत बोल रहे हो, स्तवक है स्तवक। रियली सॉरी भाई, रियली स्तवक भाई के होटल में नेक्स्ट सेशन में जरूर रुके भाई, बहुत अच्छा लगता है यार। चले भाई घूमने चले कहीं, चलो चलते हैं भाई। इतने दो दिन से यहीं ऐसे रूम में पड़े तो हमने कहा कि अब थोड़ा अपना लत्ता पत्ता पहन के चलते हैं घूमने फिरने थोड़ा सा। तो स्तवक भाई आ चुके हैं, अब चलते हैं कहीं हांड के आते हैं भाई। ये देखो अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या मस्त लोकेशन, पहाड़ किसी को पता ही नहीं था। अरे ये क्या सिस्टम है, अब ये जानना दे हमें भाई जगह कहाँ है ये, क्या भाई ये इलीगल लेके जा रहे हैं लकड़ियों को भाई। पहली बार टेस्टिंग कर रहे हैं हम अपने मड टेरेन टायर्स का भाई। स्तवक भाई के तो पकड़ के रखा मैंने तो, ये तू यार, ये तू तो भाई फट्टू ही रहेगा सदा। मेरा आत्मघाती था तो दो में कॉन्फिडेंस ना है, जो चला रहा होता है ना उसको नहीं लगता डर, बाकियों को लगता है। ये तो भाई यहाँ तो कोई खाई भी नहीं है, वो क्रेटा वाला कैसे पड़ा था उसको टेंशन नहीं। देखना आगे, बस आगे यहाँ ये वही है ना जो हम पहले आए थे, शायद तब तो नहीं था ऐसा रोड, तब नहीं था तो बारिश नहीं पड़ी थी ना। अच्छा बारिश, हाँ, तो सुबह से बारिश हो रखी है ना भाई। जय बजरंगबली। भाई अभी हम आए थे यहाँ पे मंदिर पे, कौन मंदिर का नाम तो भाई मुझे पता नहीं, स्वतक भाई को पता है। रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ तक आने के लिए ना, और व्यू वगैरह देखो कितना शानदार है, और यहाँ से देखो पूरी पहाड़ी दिखती है पूरा रास्ता। ऐसे हम इसको कवर करेंगे, और ये अपना भवन है, इसके ऊपर फिर भैरव जी हैं, और ये इतना अच्छा वाइब्स यार, मजा बैठ गया फुल एकदम किलर भाई। भाई मैंने स्तवक भाई से कहा, स्तवक भाई पतले हो रहे हो जो कहे जिम जा रहा हूँ भाई, पता है जिम जाने का रीजन ये है, भाई की हो चुके शादी फिक्स है, और मार्च में भाई हो जाएंगे सिंगल से डबल, तो इसलिए थोड़ा सा लिटिल गुड लुक, गुड लुक तो भाई अब भी हैं बट थोड़े हेल्दी दिखे, इसलिए अब हो तो गए हो भाई बहुत पहले से तो बहुत, पहले तो आप प्रॉपर ऐसे लगते थे वो सेठ जी होते हैं ना, पेट निकला होता है, अब वो तो हम हो रखे हैं, हमारा निकल रखा है वो तो। कोई नहीं, जब हमारी फिक्स होगी हम भी ऐसे ही पतले हो जाएंगे भाई की तरह, जिम जाया करेंगे भाई। फिर सुबह जाते हो शाम को? सुबह। अच्छा बहुत बढ़िया है भाई, जिम करो फिट रहो मौज लो जिंदगी में, और क्या ही है। ये यहाँ से व्यू देख लो आप, मजा ना आए तो पैसे और डीजल वापसी आपकी, और रीलरों को देख लो, ये रीलरों को देखो भाई, ये देखो रीलर देखो, अननेसेसरी कुछ भी। तो भाई आपको शौक नहीं है ऐसे रील बनवाने का? बिल्कुल नहीं। वो तो बढ़िया, अब सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया, वरना ये टिकटॉकर्स क्या ही करते पता नहीं भाई। भाई क्या लगती है यार ये गाड़ी, आई एम इन लव विद दिस कार भाई। पता है हर किसी का यही रिएक्शन आता है जो भी इस गाड़ी को चलाता है ना। स्तवक भाई कह रहे मेरे से, क्या कह रहे थे भाई? भाई किंग वाला फील आता है इसको चला के। भाई कह रहे मेरे को दे दो इस गाड़ी को
भाई मतलब फील है देखो इस गाड़ी में, नो डाउट ना, वो वाली मजा तो आता है यार, बंदा जमता है गाड़ी में, है ना भाई, कॉन्फिडेंस वगैरह गाड़ी है ऑलराउंडर, हाँ परफेक्ट जिससे कहते हैं ना, मुझे तो पर्सनली लगती है, और लोगों को पता नहीं लगती हो नहीं लगती हो, बेस्ट है। मल्टीटेरेन टायर्स का ना ये बहुत मोटा नुकसान है, ये देखो आप सीधा नहीं खोल सकते, जैसे आप ऑफ रोडिंग करके आए हो ना, तो ये जैसे टायर जैसे ही प्लेन पे आएंगे तो भाई फिर ये गाड़ी को पूरी सान देते, जैसे ट्रैक्टर वगैरह आपने देखे हो ना कभी खेत में काम करके आते हो उसके बाद पूरे में पूरे गंदा कर देता है, सेम इन मल्टीटेरेन टायरों का हाल है भाई, कीचड़ में चलाने के बाद आपकी गाड़ी गंदी होनी ही होनी है, बाकी डिटेल में तो मैं आपको वहां पे चल के आपको एक्सप्रेस बताऊंगा, जैसे हमने लगवाया ना तो इनका टेस्ट प्रॉपर करनी भाई मड़ में, अब लद्दाख वद्दाख में तो कहां ही भाई मड़ मिलती है, तो इसलिए इनको अभी तो प्लेन्स में देख रहे हैं, बाकी आगे चल के देखेंगे यार। मजा आ रहा है भाई, बढ़िया फील है, मैं तो कह रहा हूं मेरे को ले जाओ ले लो भाई आपकी है यार, क्या दिक्कत है, अरुण भाई ने बोल दी ले लो भाई, ले लेंगे ना, भी देख लेना वो सब, नहीं ले लो कोई नहीं, हम हेरियल ले जाएंगे आपके पास, इसी बहाने माता रानी बुला भी लेंगी दोबारा, जब आपका मन भर जाए, जब भाभी भाभी को आप ले आओ इसमें ही, मैं तो कहता हूँ इसी में भाभी को लेके आओ मार्च में, पक्का पक्का आपने आना तो है शादी में, आपकी गाड़ी से जवाएंगे, हाँ पर आप क्या ऐसा होता है काली गाड़ी में नहीं लेके आते, ना ना ऐसा कोई स्कीम नहीं है हमारे वहाँ भाई, ऐसा काली गाड़ी नहीं जाती सच के, ऐसा यहाँ पे स्पेशल लेके जाते हैं लोग काली, तो अच्छा जी हमारे वहाँ काली और नीली, इन ये तो कपड़े भी नहीं देते शादी में, अच्छा आप मतलब ब्लू कलर की शेरवानी, मैंने सुना तो नहीं आते कि काली गाड़ी में लेके जाते नहीं, अब पता नहीं, हमारे वहाँ हरियाणा में स्कीम है, हमारे जाटों में तो है, नहीं लेके जाते, ओए पाकिस्तान सॉरी इंडियन फ्रेंड तुम्हारे में भी है ये, नहीं पंजाबी तुम्हारे में कोई भी गाड़ी चलेगी, हमारे में तो भाई वाइट होनी चाहिए, हाँ वाइट चलती, वाइट हो लाल हो, वाइट हो लाल हो ऐसे ब्लैक ही ना होनी चाहिए बस, ऐसे रहता है स्कीम, मैंने तो नहीं सुना यहाँ पर ऐसा कुछ तो आप इसी को रख लो, आप इसी में भाभी को लेके आना सनरूफ खोल के, आप सनरूफ में खड़े हो तब तक तो और फिट हो जाओगे, तब तो बिल्कुल एकदम जेंटलमैन लगोगे एकदम, पगड़ी पगड़ी पहन के भाई देखो क्या स्मार्ट लगेंगे भाई, क्या बात है, तो भाई ये हमारा कुछ ऐसा कटरा दिखता है माता रानी का, कल सुबह चढ़ाई करेंगे, और आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता दूं जो अभी इस तो वक्त भाई ने हमको बताई है, भाई यहाँ पे डीजल भी है पेट्रोल भी, दोनों 15-15 साल की लाइफ है, हमारे वहीं बिजली पड़ रही है भाई, मुझे इतना मोटा दुख है ना अपनी इस गाड़ी का, मतलब मैं आज भी सोच सोच के डरता हूँ कि 4 साल बाद यार ये चली जाएगी, ऐसे कुछ भी ना, आप कटरा आ जाना, कटरा मेरे को दे जाना, 5 साल और बढ़ा देंगे हम, ये कोई दिक्कत नहीं है, सही है एनओसी कट के आ जाएगी, यहाँ पे तो चलती है लद्दाख में सारी जो एक्सपायर्ड गाड़ी है वहाँ की, 426 डीजल सारी वहीं पे थी, वो 5 साल और बढ़ जाएगी आपकी लाइफ गाड़ी की, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं ऐसा रहता वहां पे नहीं चला सकते हम, वहां पर नहीं चला सकते, हाँ चलेगी जीएनके में, यही चलेगी यहीं पे, नंबर यही रहेगा, एनओसी कट के आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं है, 4 साल बहुत होता है, बाकी देखते क्या पता रूल बदल जाए भाई, सरकार हम जैसे गरीबों पे थोड़ा तरस खा ले, चला लो भैया तुम मौज ले लो, बालक हो तुम अपने, देखते हैं भाई वक्त वक्त टाइम टाइम की बात है, यहाँ बढ़िया है भाई जम्मू कश्मीर में, अपने गाड़ियों में लकड़ी ले जाते, जो जंगल में हम आए थे वहीं से भाई अपना गाड़ी में, अब भाई ये कितनी वैसे चलानी पड़ेगी इसको, ये गाड़ी किसी को छील जाएगा वो अलग है, इसका अलग अलग लग जाएगी किसी को, रिस्क कितनी मोटा है इसमें, आ गए भाई उतर के, भाई मंदिर कौन सा था, देवा माई, देवा माई भाई कोई गाड़ी लेके आ रहा है ना अपनी, अच्छा आप इसमें जा रहे हो, हाँ भाई को कुछ काम आ गया लिटिल लिटिल सा, तो भाई उसमें जा रहे हैं, तो देवा माई मंदिर जाना भाई मजा बैठ जाएगा, हम पे तो टाइम की लिटिल लिटिल दिक्कत थी, अच्छा यार हम चढ़ ऊपर तो बहुत गए थे, पहाड़ तो यहाँ पे इतने नहीं है, यहाँ इतना नहीं दिखता यहाँ से, अच्छा हम इस पे ही गए थे इन पहाड़ों पे, ओके ओके ओके, अरे लट धरा तो है गिरगो लट, देखो मैं इसकी बात कर रहा था, जैसे ये माटी सी इस पर जम जाती है ना इतनी इतनी ज्यादा, ये मट टेरेन की दिक्कत है, थोड़ी सी मड़ में गई ना है, भाई हम स्पेशल आए हैं मैगडी यहाँ कुछ बढ़िया सा खाने के लिए, 15 किलोमीटर आगे है कटरा से ना, हाँ ये देखो इन टायरों की ये दिक्कत है, कीस सी जमा हो जाती है, चलो ऊपर चल के कुछ लिटिल लिटिल ले लेते हैं खा लेते हैं, बढ़िया यार पहाड़ों में भी ये चीज़ें खुल गई ना, बढ़िया लगता है, तो भाई आ गई है हमारी पूरी मील्स, इंजॉय लाइफ, ये इसने पता नहीं क्या छोटी ने ये लिया है, और छोटू तो इंडियन है भाई, सॉरी सॉरी ये है वो तो, और दोस्त बहुत अच्छे भाई बहुत ही बढ़िया, यहाँ रखो इसको इधर उठा के रखो, उठाना नहीं होता सरकाना होता है, दोनों हाथों से रखो, वाह तुम में तो बड़ा माइंड है, तुमको फिर भी लड़की कैसे नहीं मिल रही अब तक भी, कोई है मेरे पास तो माँ कसम, ब्याह हो गया तेरा, ना वैसे लड़की है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदे आचरण मत करो बेटे, इससे तो कोई पटती नहीं है भाई, देखो क्या मतलब तुम क्या बातें क्या कर रहे हो यार, तुम
इधर भाइयों बंद करता हूँ यार, पता क्या है। और भाई आज इंडिया का मैच भी था, इंडिया जीत चुकी है, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब नाइट हो चुकी है, कल चढ़ाई करनी है, तो आज थोड़ा लिटिल लिटिल जल्दी सो जाएंगे, कल जल्दी उठ के फिर हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, कल पूरी दिन दिन में करके रात में आके सोएंगे आराम से, फिर अगले दिन आगे तरफ निकल लेंगे। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आसरा आश्रय ठिकाना ये छत देने के लिए, नहीं तो आज हम बारिश में भीग जाते। चलो भाई अभी मैच के हाईलाइट्स देख रहे हैं, हम तो देख नहीं पाए, हम घूमने चले गए, तो क्या कुछ रहा कैसे रहा।